जय बाबा के भाई साहब ने स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरसिम्हा द जाट पे। तो भाई आज होगी है नए दिन की शुरुआत, वो लोग दूसरा वो लोग जो कल बताई थी आपको, सुबह नित्य कर्म करने के बाद मैं अब बनाऊंगा पेठे का जूस। समय हो गया है पेठे का जूस पीने का, तो चलिए बताता हूँ कैसे इसका जूस बनाया जाता है और कैसे इसको पिया जाता है। अब सबसे पहले ये पेठा निकाल लेते हैं भाई। जो मम्मी लिया 40 किलो पेठा वाला, इकट्ठा 40 किलो। ओह माय गॉड, अरे भाई साहब थोड़ा बहुत भी इधर उधर हिलाने को इतना अंगल लगाना पड़ता है, पूछो मत। खुल गया बोरे का मुंह, अब निकालते हैं भाई पेठा, सफेद पेठा। सफेद पेठा गाइस, अब करते हैं पेठे को कटिंग। घुसा मम्मी इसके अंदर है। हाँ अरे नानी हो तो आपने मैजिक ट्रिक बता दी। काट दे मम्मी, बहुत बढ़िया है। तो गाइस मेरी जगह मम्मी काट के दिखा रही है आप सबको। आधा हिस्सा अलग कर दो इसका। अब इस वाले को उधर रख दो, उस वाले को आधा और काट दो। मोटी चीज है एक में गोदे। नहीं तरबूज हो या, अच्छा जैसा यो पेठा है, जैसे इसी चीज हो ना। सुनो गाइस, ये नानी ने बताया हमारे, ये री नानी। काट दे मम्मी, काट दे। लगाऊंगा लाजवाब। हम मम्मी इसका बकल छील दे एक हिस्से का, और ये जितने भी बीज है ना इसके, ये सारे बीज निकाल दियो। तो गाइस पेठा काटना आपको बता दिया, उस पेठे के बीज और छिलका याद से उतारना, उसके बाद ही उसका जूस बनाना, वो भी अभी दिखा देता हूँ। एक बार फिनिशिंग हो जाए पेठे की फिर दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्या फायदा करता है पेठे का जूस? क्या फायदा करता? हाँ कुछ करा है जब होया है। वाह नानी वाह, क्या अभी तक 40 किलो पेठा आया है, कुछ करेगा जो बताऊंगा। करेगा पहले इस्तेमाल करो। हाँ। फिर विश्वास करो। ले काट मम्मी काट, बहुत बढ़िया मम्मी। सारे बक्कल तार दियो और सारे बीज काट दियो। कित गए मम्मी रूस के क्या? शाबाश, काट दे मम्मी, काट दे काट दे काट दे काट दे। हाँ बीज तार दिया उसका। शाबाश, तकरीबन 250 ग्राम पेठे में एक गिलास जूस निकल जाता है। मैं कह रहा था तकरीबन 250 ग्राम पेठे में एक गिलास जूस निकल जाता है। नहीं ले करता कितने में? एक आधे किलो में। वो आधे किलो में चाला कर दिया नानी आपने। आप तो देख लेना आप भी, ये वाटर रिच फूड है नानी। देखो इसमें निकल जाएगा 250 ग्राम पेठे में एक गिलास। तो ये पेठा काट दिया, इसके छिलके उतार दिए, सारे बीज निकाल दिए। अब इसको इस जूसर में डाल के जूस निकाल लेते हैं, वो भी दिखाता हूँ।
तो ये निकल गया पेठे का जूस। अब इसको छानते हैं। लाओ मम्मी गिलास दे। नानी इसमें देखिए फोटो आ रही है मेरी, इसमें नीचे झुकते हुए आती है पूरी कहाँ पे आ रही है अभी आधी आ रही है गेठी नहीं आ रही, गेठी नहीं आ रही, गेठी आ गई सारी आ गई। तो गाइस ये नानी कह रही ऊपर गेटी ना आ रही, नीचे गेटी करके गिलास में एक भर दिया, देख लो एक गिलास जूस यो भर दिया और दूसरा गिलास जूस यो भर दिया और बच गया ये थोड़ा सा, ये नानी को पिलाऊंगा, नानी से टेस्ट कराते हैं। दिया छोटा गिलास एक नानी से टेस्ट कराओ, नानी पी के देखेगी किसा बन गया ये पेठे का जूस। मैं क्या कह रहा था 250 ग्राम में एक गिलास बन जाऊगा। तो गाइस ये नानी का शॉट बना दिया है, समझने वाले समझ गए होंगे, न समझने वाले ना समझे होंगे। तो एक ये शॉट बना दिया नानी का, 30 ml का शॉट तैयार। तो ले नानी ये पी के देखो कैसा लगा, टेस्ट बताना कैमरे में देख के। चलो पियो, बॉटम सब कर दे नानी, टेस्ट से ले इसका घटकना। हाँ टेस्ट ले। अरे बढ़िया है इसका टेस्ट। मम्मी जी ये ठन 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 करना बंद जरूरी है का जी? मम्मी जी मैं वो लोग बना रहा हूँ, मम्मी जी आप ठन 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 कर रहे हो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया है, फीका है, मीठा है, खट्टा है, किस तरह है? है खट्टा कौन है? ऐसा है मतलब जैसी नीम का पिया करा तो मारी सी को ज्यादा चाहिए तो नीम का कैसा है? नीम का हो जाए। अच्छा आप अरे सही से बढ़िया सही से तो चख लूंगा मैं, चख ले। चलो तो ठीक। और ये तेरी मम्मी ने पी लिया भूजू? अच्छा मम्मी तो भूजू। हाँ खराब मुंह नहीं होया भाई। हाँ बहुत बढ़िया। किसा मुंह होया? ठीक से मीठा हो गया। मीठा तो कौन है? हाँ पर ठीक है मुंह। फिर चला लिया नानी नल का, मम्मी ने बता किस तरह समझाओ नानी, आप समझाओ आपकी मान नहीं होगी बंद। समझा एक बार देख ये बर्तन की आवाज कर दी, समझा बंद होगी, बंद होगी, समझा एक बार बंद होगी। हाँ तो बता नानी के बता देते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किसा टेस्ट होगा मुँह का तो टेस्ट है किसा बना रहा। अच्छा ठीक है सही है, पी जाओ। बढ़िया पिज्जा पिया जाएगा, पिया जाएगा। चलो तो ठीक, मैं भी नहीं सोचती थी मेरा ना किसा होगा पर पिया जाएगा। चलो तो ठीक है। सही है, ज्यादा खराब नहीं है, ठीक है, बढ़िया। हल्का सा 1% का बकबकापन है, बाकी नून है कि कतीना पिया जाओगा जहर है नून। बहुत बढ़िया लगा और ऐसा लगा कि जने 2-3 गिलास और अलग अलग पी जाओ, इतना बढ़िया लगा। आप इसको ले सकते हो, बनाने का तरीका बता दिया, क्या क्या फायदे करता है ये वो बता दिया। तो गाइस दोबारा बता देता हूँ ये क्या क्या काम करता है शरीर में। शरीर में ये अपने चुंबक की तरह काम करता है, कोई भी बीमारी पैदा होती है तो वो यहाँ से पैदा होती है, ना यहाँ से पैदा होती, ना यहाँ से, ना यहाँ से, मतलब यहाँ से अंदर जाएगी फिर यहाँ पे पैदा हो जाएगी। वो पैदा इसलिए होगी जो हमारी आते होती है लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें कुछ हिस्सा चिपका रह जाता है जो ढंग से साफ नहीं हो पाता, चिपका भी वो हिस्सा रहता है जो हम पैकेट वाला खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा, फलाना ढिमकाना, एक्स वाई जेड, ये खाते हैं, इसलिए पेट खराब हो जाता है हमारा। बहुत लोगों के दिक्कत है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, कट्टी डकार, बेराना के आगड़ंगे सोते। तो इस जूस का सेवन करने से अपना ये सिस्टम सेट रहता है। अब कई लोग सोचेंगे पेट साफ होता, पेट साफ होता, पेट साफ नहीं होता, इसको जो ये मल चिपका रहता है इसको चुंबक की तरह ये काम करता है, इसको अपने साथ चिपका के जब आपका ब्लो मोमेंट होता है, जब
निकल जाती है, पर इसका लगातार सेवन करना पड़ता है कम से कम 3 महीने। अब मैं 3 महीने पीऊंगा, आपको बाद में रिजल्ट इसका बता दूंगा। साथ की शायद माइग्रेन, बीपी, शुगर, थायराइड और जिसके गोडों में कमर में सारे दर्द है, साइनस, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और आपका क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्ने, पैकने, डैंड्रफ, पिंपल, ये सफ़ेद बाल होना, ये सारी बीमारी का हल करता आयुर्वेद में। हर एक चीज़ का हल है, बस आयुर्वेद को समय चाहिए। समय से, नियम से पुगाओगे, समय लगेगा और उस समय के साथ साथ आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। समझ गए नानी? समझ गए नानी आप? वेरी गुड। मम्मी जो एक गिलास में कुछ भी ना हुआ यार, कम से कम 2 गिलास तो दिया करो मेरे को आप। इतना बड़ा शरीर हो रहा है मम्मी, एक गिलास में तो मेरा भी ना पाते है कित गया। ठीक है मम्मी, पापा तो भी दिया हूँ मैं लाभ।